हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट प्लस प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं और ऐसी वीडियोस लेकर के आता हूं जिनका जानना आपके लिए काफी यूजफुल होगा। एक प्रॉब्लम हम में से काफी लोगों ने फेस करी है, अक्सर जब कभी हम पार्टी में जाते हैं तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आपने फेस किया होगा। क्या प्रॉब्लम है? जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, जब आपको भूख लगती है, जब खाना अच्छा होता है तो हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं, जितनी जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही खा लेते हैं। इसके कारण से या बिना इसके कारण से भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमको पेट में अजीब टाइप की फीलिंग्स होती है। अब कई बार इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए लोग इसको अजीब वर्ड टैग कर देते हैं। बेसिकली वो फीलिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। आपका पेट भरा भरा लगता है, आपने जो भी खाया हुआ है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट यूज्ड उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पेट में गैस का बनना स्टार्ट हो जाता है और यह गैस डेफिनेटली एक प्रेशर अप्लाई करेगी आपके स्टमक पार्ट में और इससे आपको डिस्कंफर्ट होगा, इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हमको यह पेन होता है और कई बार वो चेस्ट की ओर मूव करता रहता है और फैट की प्रॉब्लम भी हमको कई बार होती है। दूसरा, वो चीजें ऐसी हैवी होती हैं क्योंकि डाइजेस्ट करने में हमको प्रॉब्लम होती है, तो कट्टी डकारें या अनयूजुअल डकारें आने लगती हैं और हमको बेचैनी महसूस होती है। ये सारी प्रॉब्लम का कारण ये है कि आपकी फूड मटेरियल का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाया है या तो फिर उस फूड का जो प्रोडक्ट बना, बाय प्रोडक्ट बना, उसका यूटिलाइजेशन या तो उसका एक्सपेलेशन प्रॉपर नहीं हो पाया है, तो गैस के फॉर्म में उसका एक्सपेल हो जाना काफी आवश्यक है और यही हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। आपने कई बार अलग अलग प्रोडक्ट यूज किए होंगे जिसमें हाजमोला भी है या फिर कोई घरेलू नुस्खे भी हैं और इन सब के पीछे का कारण ये होता है कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सॉल्ट हैं, नेचुरल हर्ब्स लगाए गए हैं, वो डाइजेशन को फास्ट अप करें और गैस के एक्सप्रेशन को फैसिलिटेट करें, यानी कि फैट के फॉर्म में गैस को बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर दें। यहां पर कई चीजें ऐसी होती हैं जो कार्मिनेटिव का काम करता है। जनरल पब्लिक तो है आप, लेकिन मैं आपको जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं वो बहुत कॉमन सा लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। कार्मिनेटिव कहने का मतलब होता है ऐसे ड्रग जो कि पेट में बने हुए गैस को नीचे प्रोपेल करते हैं और उसे बॉडी से बाहर एज अ फार्ट निकालने का काम करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब मैं बात कर रहा हूं शादी पार्टी के एग्जांपल की तो उसी को ले लें, आपने यही चीज देखा है कि जब आप खाना खा के बाहर निकलते हैं तो फिर आपको पान दिया जाता है। उस पान को अगर आप कभी कंज्यूम करें होंगे, कहीं भी कंज्यूम करते हैं, तो बेसिक इंग्रेडिएंट उसमें क्या होता है? उसमें पान होता है, चूना, कत्था, सौंफ, लौंग, इलायची, ये मेन चीज है, बाकी एडिशनल चीजें यूजलेस है। ये सारे एग्जांपल हैं कार्मिनेटिव के। ये सब कुछ, इवन पान का पत्ता आपके खाने को पचाने में मदद करता है, चूना एंटी जो एसिडिटी बनने का काम करता है, एंटासिड का काम करता है, एसिड को कम करने का काम करता है, कत्था एक सूदिंग इफेक्ट देता है, लौंग, सौंफ और इलायची ये बहुत ही अच्छे कार्मिनेटिव हैं जो पेट को ठंडक देकर गैस के इवर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारे नेचुरल हैं और एक अच्छी बात बताऊं आपको, आज का जो प्रोडक्ट है हमारा ये हींग गोली है, ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है और हींग गोली एज इट्स नेम इंडिकेट कि ये हींग से बनी हुई गोली है। हालांकि यहां पर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट केवल हींग ही नहीं है, हींग के साथ और भी इंग्रेडिएंट हैं, बट एज अ मेजर पार्ट यहां पे हींग कंटेंट कर रहा है। आपने घर में भी हींग यूज किया होगा, दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल। ये हींग और इसके साथ में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसमें काला नमक, सेंधा नमक या और भी चीजें हैं, नींबू का सत्व है, नींबू का रस है इसमें, वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब चीजें आप जब यूज करते हो तो आपके एसिड के सिक्रेशंस को खास करके डाइजेशन से एग्जस्ट पहले ये फैसिलिटेट करता है ताकि आपका खाना अच्छे से पच सके, जो गैस बना हुआ है इसे प्रोपेल करके बॉडी से बाहर निकाल सके। यही कार्मिनेटिव के काम करने के तरीके होते हैं और इससे हमको जो फ्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, पेट के फूलने की प्रॉब्लम होती है, चेस्ट पेन जिसको हम लोग गैस की वजह से देखते हैं या हार्ट बर्न जिसे हम लोग बोलते हैं, इसको रिकवर करने में काफी ज्यादा मदद करता है। कई बार ऐसा होता है कि आप इन चीजों को बचने के लिए, पेट की प्रॉब्लम, पेट का फूलना, गैस, एसिडिटी, इनसे ओवरकम करने के लिए आयुर्वेदिक की जगह एलोपैथिक सब्सटेंस पे यूज करते हैं, जिसमें पेंटोप्राजोल का डिग्री का ड्रग होता है, रेनिटिडिन का डिग्री का ड्रग होता है या फिर आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंपली बोला जाए तो एंटासिड वगैरह यूज करते हैं। इनके यूज करने से आपको बेनिफिट तो मिलेगा बट साइड इफेक्ट भी एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि अगर आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया तो फिर आपको थोड़ी पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह यूज किया तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से यूज किया तो आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपने दोनों को यूज किया तो ठीक है, प्रॉब्लम ये तो नहीं होगी लूज मोशन की, कॉन्स्टिपेशन की, लेकिन ये फिर आपके कुछ ऐसे ड्रग जो और अगर ले रहे हो साथ में दवाइयां तो उनके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती हैं, तो जाने अनजाने में कभी कभार ये चीजें आपको बेनिफिट के साथ साथ प्रॉब्लम भी दे करके जाती हैं। लेकिन ये हींग गोली एक ऐसा है जिसको आप आराम से चबा के खा सकते हो, चूस के खा सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होने वाले हैं
और केवल यही प्रॉब्लम हो, गैस बनना हो, पेट फूल रहा हो, डिस्कम्फर्ट हो, डाइजेशन प्रॉब्लम ना हो, एसिडिटी बन रही हो, तभी लें, ऐसा भी नहीं है। इसे आप यूजुअली एक टेबलेट ले भी सकते हैं तो आपके पाचन तंत्र को अच्छा स्ट्रांग भी बनाएगा, साथ साथ गैस की प्रॉब्लम को भी निकाल लेगा। और आप ये चीज जानते भी होंगे कि हींग का एक और यूज है, हींग हमारे घर में यूज होता है, बच्चों में क्रीमी की प्रॉब्लम अगर होती है तो वो भी इसको ठीक करने में मदद करता है, लेकिन वो बच्चे बहुत छोटे ना हो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो पेट के संबंधित दूसरे भी जो प्रॉब्लम है उनको भी ये ठीक करने में काम करता है। आप ये सोच रहे होंगे कि हींग गोली के ऊपर वीडियो बनाने का क्या औचित्य बनता है, लेकिन औचित्य तो सबका बनता है, जिसकी जानकारी से किसी का भी बेनिफिट हो सके वो जानकारी सबके पास आनी चाहिए। रही बात डोज की, तो ये सिंपल ओटीसी प्रोडक्ट है, इसे आप अपने टेस्ट की या अपनी नीड के अकॉर्डिंगली एक से दो जो गोली है या टैबलेट है बोल सकते हो वो आप ले सकते हो। खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के एक आध घंटे बाद भी ले सकते हैं, जब आपको डिस्कम्फर्ट लगे तब आप SOS की तरीके से ले सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच वॉचिंग इस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।